गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। आज हम यहाँ देखेंगे 20 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स, और साथ में मैं डेली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुशील कुमार ने कौन सा पदक जीता, यह जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है सुनील कुमार ने। और ग्रीको रोमन प्रतियोगिता में 27 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। लास्ट टाइम 1993 में जीता था और अभी 2020 में गोल्ड मेडल मिला है भारत को। और ये अजत सालीदिनो ये किर्गिस्तान के हैं, और इनको हरा कर सुनील कुमार ने भी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीक रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है आपका, 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2021 जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यह करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राट 2 का सफल परीक्षण किया। तो राट 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया, यह किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल संभाला। तो अशरफ गनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, यह है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, और इन्होंने अभी दूसरा कार्यकाल संभाला। अब यहाँ है आपका अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल, और करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया। तो लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड किनको दिया गया, ये दिया गया सचिन तेंदुलकर को लॉरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है। इसमें आपका ऑप्शन सी भारत। तो स्टेट्स ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 79% पक्षियों की तादाद घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यह किया गया उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फरवरी 2020 में कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, यह जीता है कोनेरू हम्पी ने क्या जीता, कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। तो किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, यह किया गया है मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई है। अब यहाँ आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, कमलनाथ, और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इंस्टाग्राम पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय कौन बने, यह हैं विराट कोहली 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले पहले भारतीय बने हैं इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो इसमें आ जाए आपका ऑप्शन बी 512,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है यूपी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का फैसला किया गया है। तो अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा जाएगा, यह रखा जाएगा सुषमा स्वराज के नाम पे अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल के रखा जाएगा। सुषमा स्वराज हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी और उनका जन्म अंबाला में हुआ है,
और इसलिए अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है, यह है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन 2020 में होने वाले ओलंपिक का मोटो है और कहाँ होगा ये होगा टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी और किसने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीता है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 पुरस्कार और किसने जीता है, यह जीता है आपका लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी ने संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 जीता है। ओके गाइस, तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने आपको करा दिए। अब चलिए देखते हैं आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, ये हैं भूपेश बघेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, उइके अनुसुईया उइके। और यहाँ की लोकसभा की सीट की संख्या है 11 और राज्यसभा की सीट की संख्या है 5। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं। और यहाँ की लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, 14 और राज्यसभा की सीट की संख्या है 6। नेक्स्ट है, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, ये हैं आपके कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, आर एन रवि। और यहाँ के लोकसभा की सीट की संख्या है 2 और राज्यसभा की सीट की संख्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने, ये बने अरविंद केजरीवाल। और अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है, 70। और उसमें से कितने सीट से जीते हैं अरविंद केजरीवाल, तो 62 सीट से जीते हैं। और कितनवीं बार बने हैं, तो ये तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है, 7 और राज्यसभा की सीट की संख्या है 3। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वह है अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है, ये हैं वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल हैं किरण बेदी। ओके गाइस, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट डे।